फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बैडमिंटन रैकेट को कैसे पकड़ते हैं और बैडमिंटन रैकेट को क्विक कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो देख लो। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बैडमिंटन जब आप खेलते हो तो आपको एग्जैक्टली बैडमिंटन पकड़ना कहाँ होता है। मैंने कुछ प्लेयर्स को देखा है जो ऐसे ऊपर पकड़ के खेलते हैं और कुछ प्लेयर को देखा है जो ऐसे नीचे पकड़ के खेलते हैं, ठीक है। उनका ये आदत बन जाता है तो वो या तो ऊपर ही पकड़ेंगे या नीचे पकड़ के खेलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे गंदा आदत होता है। आपको जानना चाहिए कि आपको रैकेट आखिर में कहाँ पर पकड़ना है, क्योंकि जब तक आप रैकेट को सही से नहीं पकड़ोगे, सही जगह पर नहीं पकड़ोगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा और आप शॉट को अच्छे से नहीं मार पाओगे। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप बैडमिंटन रैकेट आपको कैसे पकड़ना है। तो देखो, जब आप नॉर्मली खेलते हो, यानी कि जब आप रैकेट नॉर्मल पकड़े हो, तो आपको जब रैकेट नॉर्मली पकड़ना है तो आपको रैकेट को सेंटर में पकड़ना है, यानी कि ना ही आपको तो यहाँ पे ऊपर पकड़ना है ना ही आपको नीचे पकड़ना है, आपको यहाँ पे ऐसे बीच में पकड़ना है, ठीक है। देखो, नीचे भी इतना जगह है और ऊपर भी इतना जगह है, ठीक है। देखो आप, ये देखो, ऊपर और नीचे दोनों जगह इतना इतना जगह छूटा है, ठीक है। तो आपको जब नॉर्मली खड़े हो तो आपको ऐसे पकड़ना है, पीछे तब पकड़ना है जब शटल आपसे ज़्यादा दूर पे होती है, यानी कि जब शटल आपसे ज़्यादा दूर हो तो आपको जब ज़्यादा दूर रीच करना होगा तो आपको रैकेट को पीछे पकड़ना है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपका जो रैकेट का लेंथ है वो बढ़ जाएगा और रैकेट लेंथ बढ़ने से होगा कि आप वहां पे इजीली पहुंच सकते हो। जैसे आपको मान लो इतना शटल दूर है तो आपको जाना है वहां पे, तो ये देखो रैकेट पीछे पकड़े और आपकी ये यहां से रीच बढ़ जाएगी। इसीलिए रैकेट को दूर तब पकड़ना होता है जब शटल आपसे दूर हो। तो जैसे देखो आप यहां पीछे से शटल मारे हो और शटल आपको आगे जाना है मारने और शटल आपसे दूर है, आपको रीच करना है, तो आप रैकेट को नीचे पकड़ लो। जैसे आप आगे पकड़ के ऐसे देखो, अब यहां से आप रैकेट की लेंथ बढ़ा लोगे, ठीक है। अगर आप यही चीज अगर रैकेट को यहां पकड़ के आगे जाओगे, ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसे पकड़ के जाऊंगा तो देखो यहां से मुझे पूरा यहाँ पे आना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम रैकेट को नीचे तब पकड़ते हैं जब शटल हमसे ज़्यादा दूर पे हो। अब सेकेंड पॉइंट, जब आप स्मैश मारते हो या फिर जब भी आपको कोई पावर शॉट पीछे से मारना है तो आप उस समय भी अपने रैकेट को नीचे पकड़ोगे, ठीक है। क्योंकि रैकेट नीचे पकड़ने से क्या होगा कि जो आपकी लेंथ है वो बढ़ गई, वो तो मैंने बताया। उससे क्या होगा कि आप शटल को मैक्सिमम हाइट पे पिक कर सकते हो और शटल को जब आप मैक्सिमम हाइट पे पिक करोगे तो आप उसको ज़्यादा तेज से मार सकते हो। और इसकी जब लेंथ बढ़ गई है तो इसका जो हेड स्विंग है वो भी ज़्यादा तेज से होगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे पकड़े हो तो देखो इसकी लेंथ बढ़ गई है ना, तो जो इसकी हेड स्विंग है ये और तेज होगी, ठीक है। तो इसकी हेड स्विंग जितनी तेज होगी आपकी शॉट जो है वो उतना ही तेज आएगा। इसीलिए आपको जब भी स्मैश मारना है तो आपको कोशिश करना है कि आपको अपने रैकेट को नीचे पकड़ लेना है ताकि आपके जो हेड स्विंग है वो काफ़ी तेज से हो और आप अच्छे से शॉट ज़्यादा तेज से मार सकोगे। तो जब आप थर्ड कोर्ट टू थर्ड कोर्ट मार रहे हो, यानी कि आप जब क्लियर शॉट मार रहे हो, तो भी आप रैकेट को थोड़ा नीचे की तरफ पकड़ सकते हो, क्योंकि इससे भी आपको पावर शॉट मारना है और जब भी आपको पावर शॉट मारना है तो आप इसको नीचे पकड़ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हो, जिससे आप इजीली आपको क्लियर शॉट मारने में आसानी होगी। तो आपको रैकेट का ग्रिप जो है वो आगे कब पकड़ना है, आपको रैकेट का ग्रिप तभी आगे पकड़ना है जब आपको इंस्टेंटली ग्रिप चेंज करना होता है। जैसे आप जब नेट शॉट खेलते हो, यानी कि जब आप नेट पे खड़े हो तो आप रैकेट को ऐसे आगे पकड़ सकते हो, ठीक है। आगे पकड़ने से क्या होता है कि आप इसका ग्रिप चेंज इंस्टेंटली कर सकते हो, क्योंकि इस समय इसकी लेंथ छोटी हो गई हो। तो लेंथ जब छोटी हो गई है तो आप इसका ग्रिप इजीली ऐसे चेंज कर सकते हो, आप कहीं भी इसको क्विकली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि आपको आगे तब पकड़ना है जब आप नेट शॉट खेलते हो, जब आप आगे हो आपको जब इंस्टेंटली ग्रिप चेंज करना है, और आपको पीछे तब पकड़ना है जब शटल आपसे ज़्यादा दूर हो। जब शटल को आपको रीच करना है ज़्यादा दूर पे, तब आप रैकेट को पीछे पकड़ लो, ठीक है। जैसे हम खेलते हैं तो क्या करते हैं, जब शटल ज़्यादा दूर पे होता है तो हम रैकेट को यहाँ तक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो इतना दूर पकड़ लेते हैं, इससे क्या होता है कि हम इजीली शटल के पास रीच कर लेते हैं। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको नॉर्मली जब है तो आपको रैकेट कैसे बीच में पकड़ना है और रैकेट को पीछे तभी पकड़ना है जब आपसे शटल दूर हो, और ऊपर का पकड़ना है जब आप नेट शॉट खेलने गए हो। तो बहुत सारे प्लेयर्स का क्या होता है कि आदत बन जाता है, वो ऐसे ऊपर पकड़ के खेलते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ के खेलते हैं ऊपर, तो ये आपका आदत गंदा है, आप इसका आदत को सुधारो, ठीक है। आप जब तक रैकेट को नीचे नहीं पकड़ोगे तब तक आप शॉट ज़्यादा तेज से नहीं मार पाओगे और आपको तब तक दिक्कत भी होगी कि आप शटल के पास रीच नहीं कर पाओगे। और जब आप रैकेट को ऐसे पीछे पकड़ खेलते हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी कि जब आपको इंस्टेंटली ग्रिप चेंज करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको हमेशा रैकेट को ऐसे बीच में पकड़ना है, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया कि आपको पीछे तक पकड़ना है जब आपको दूर जाना है और आगे तक पकड़ना है जब आपको इंस्टेंटली ग्रिप चेंज करना है, जैसे आप नेट पे गए या फिर कहीं पे गए, ठीक है। तो आप अपनी आदत को सुधारो कि ना तो आपको पीछे पकड़ के खेलना है ना ही एकदम आगे पकड़ के खेलना। जब तक आप अपनी इस आदत को नहीं सुधारोगे तब तक आप एक अच्छे बैडमिंटन प्लेयर नहीं बन सकते हो। सो आई होप अभी मैंने आपको क्लियर किया होगा कि आपका बैडमिंटन रैकेट एग्जैक्टली कहाँ पे पकड़ना है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।